बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एजुकेटर्स जॉब आई हैं उसके वाले से अपडेट शेयर करूंगा। तो जैसे कि आपको मालूम है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो है ये एक टेस्टिंग अथॉरिटी है जो कि जॉब्स के टेस्ट कंडक्ट करती है। तो इसमें जो है एजुकेटर्स की जॉब इसमें भी आती हैं। तो यहाँ पर जो है अब जॉब्स आई हैं, ये 102 सीट्स हैं टोटल, तो सीट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं और ये 16 स्केल की मतलब SST की सीट्स हैं। तो ये इन सीट्स के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए और एज लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें, BEd लाजमी है या नहीं, इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 है एडवर्टाइजमेंट का नंबर, और ये लिखा गया है यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन अप टू 22 जुलाई 2024। तो 22 जुलाई 2024 तक आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अब इसमें यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स का इकट्ठा ही ऐड है, अभी 107 108 ये नंबर्स दिए गए हैं ये डिफरेंट जॉब्स के, 109। तो आपने जो है जो एजुकेटर्स जॉब वाली टैब है उस पर आ जाना है, वो है 129। तो 129 जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है इस वक्त, तो मैं उसको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये 129 नंबर एडवर्टाइजमेंट जो है ये आपने चेक कर लेनी है। इसको मैं आपको रीड करके बता देता हूँ सारी डिटेल इसकी। तो ये सेकेंडरी स्कूल टीचर SST फीमेल्स जॉब है और 17 स्केल की हैं, पहले मैं सॉरी 16 बोल बैठा हूँ, ये 17 स्केल्स की जॉब है और ये परमानेंट जॉब है। जो वैसे जॉब्स जो आती हैं एजुकेटर की वो परमानेंट नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट पर होती हैं पहले, बाद में परमानेंट होती हैं, ये स्टार्ट से ही परमानेंट होगी। तो उसके बाद जो लिखा गया यहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अगर बात करें तो लिखा गया ग्रेड सी डिग्री कम से कम होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए ग्रेड सी के साथ विद BEd। तो BEd लाजमी है इसमें, BEd हो सकता है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय HEC, और MA एजुकेशन होना चाहिए या MA EPM फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय HEC। तो BEd मस्ट है और 16 ईयर एजुकेशन आपकी मस्ट होनी चाहिए, उसमें ग्रेड सी हो बेशक अप्लाई करने के लिए। बाद में सिलेक्शन होगी या नहीं होगी सी ग्रेड की, वो बात की बात है, पहले अप्लाई करने के लिए आपका 16 ईयर एजुकेशन विद ग्रेड सी मस्ट है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 22 से लेकर 30 ईयर्स तक जो है एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, विद 5 ईयर जो है वो जनरल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। तो ये जो ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वो उनको ये रिलैक्सेशन भी दी जाती है। उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 102 सीट्स हैं, डोमिसाइल कोटा मेरिट 8 सीट्स हैं, पंजाब में 51 है, ओपन मेरिट पे 49 एंड माइनॉरिटीज नॉन मुस्लिम के लिए 2 है। तो ओपन मेरिट में 49 सीट्स हैं और 2 जो है वो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं। सिंध रूरल ओपन मेरिट पे 11 सीट्स हैं, सिंध अर्बन 8 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा 11 सीट्स हैं, बलोचिस्तान 6, एक्स फाटा ओपन मेरिट पे 3 सीट्स हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर वो भी 3 सीट्स हैं ओपन मेरिट पे, और 2 जो है वो माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम और एक कोटा सीट है। गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है ओपन मेरिट पे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इसकी एनीवेयर इन द पंजाब, एनीवेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जो है आपको पोस्ट किया जा सकता है जहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 22 जुलाई 2024 है। ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके। तो दूसरी जो जॉब्स हैं वो उसके आने का तो आपको पता ही है, काफ़ी अरसे से कहा जा रहा है लेकिन वो आ नहीं रही। तो एटलीस्ट जो लोग जॉब्स के वेट में हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चूँकि ये फ़ीमेल्स के लिए हैं तो फ़ीमेल्स तो अप्लाई कर सकती हैं, एटलीस्ट चांस लाजमी देना चाहिए। ये थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब्स के वाले से लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर दें। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली कोई भी एजुकेशनल न्यूज़, जॉब्स से रिलेटेड अपडेट्स या कोई एजुकेशनल लेक्चर्स वगैरह आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।